कच्छ की भूमि जीवंत दस्तकारी का जखीरा है। कच्छ के रण की चारों ओर फैली वीरान और सफेद रेत पर आपको हर जगह रंग दिखेंगे। इसकी वजह है सुंदर और जीवंत शिल्प कलाओं की परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। कढ़ाई से लेकर ब्लॉक प्रिंटिंग तक, घंटी बनाने से लेकर बुनाई तक, कच्छ आज शिल्प का एक फलता फूलता केंद्र है। कच्छ में शिल्प की इस विस्तृत विविधताओं में कई समुदायों का योगदान है। शिल्प उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। ये शिल्प कला उनके इतिहास का झरोखा भी है। अफगानिस्तान और गुजरात के बीच लोगों की आवाजाही चलती रही और कई लोग कच्छ में बस गए, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी रिवायतें जारी रखी। इन लोगों की अपनी संस्कृति, परंपराएं और उनका अपना हुनर था। वे भले ही एक दूसरे से अलग थे, लेकिन शिल्प की समानता ने उन्हें आपस में जोड़ दिया था। कच्छ की खुश्क आबो हवा की वजह से यहाँ के लोग संसाधनों को शिल्प उत्पादों में तब्दील करके अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने लगे। दरअसल कच्छ के शिल्प की कहानी ये है कि कैसे इन समुदायों ने अपने संयुक्त अतीत और इतिहास को जोड़े रखा और किस तरह इनकी कलाएं इस इलाके में जीवंत हो गई। समुदायों और उनके शिल्प के बीच गहरे रिश्तों को पता लगाने के लिए हमने कच्छ का दौरा किया। ऐसे कई समुदायों के साथ काम कर रहे और उन्हें गैर लाभकारी संगठन सृजन के जरिए उनके शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने में मदद कर रहे आमी श्रॉफ ने हमें इन लोगों के यहाँ आने के बारे में बताया। कच्छ एक रीजन है गुजरात का जो थोड़ा अलग पड़ता है, क्योंकि ये एरिया में बहुत सारे सालों से, बहुत सारे मतलब 1,700-1,500 ऐसे सालों से पूरे दुनिया से लोग माइग्रेट होके आए हैं। और यहाँ कच्छ में जो एम्ब्रॉयडरी जो कम्युनिटीज एम्ब्रॉयडरी प्रैक्टिस करती है वो उनकी अपनी असल की पहचान है। वो आए हैं थोड़े लोग मिडल ईस्ट से, थोड़े लोग आए हैं सेंट्रल एशिया से, थोड़े नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आए, पर जितने भी लोग आए हैं वो सब जहाँ से भी गए वो अफगानिस्तान गए, पहले अफगानिस्तान से सिंध गए और सिंध से कच्छ आए। तो एक हम लोग चीज कॉमन देख सकते हैं कि कच्छ के अंदर मिरर्स बहुत सारे यूज होते हैं, गुजरात में भी थोड़े देखने को मिलते हैं, पर सब लोग की सोच ऐसी है कि मे बी सिंध से आए हुए रहेंगे क्योंकि ये सब एम्ब्रॉयडरी कम्युनिटीज वाया सिंध आई है। अब ये जो कम्युनिटीज है वो किसान होते हैं या फिर मालधारी होते हैं। जो किसान रहते हैं वो ऑफकोर्स जमीन के ओनर्स रहते हैं, तो एक जगह पे स्टेशनरी रहते हैं क्योंकि वो जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे। और दूसरा जो है वो जो मालधारी है वो जहाँ भी घास अच्छा आएगा, क्योंकि बारिश उतना डिपेंडेबल नहीं है, चेंज होते रहता है, तो कच्छ के अंदर ही अलग अलग एरियाज में जहाँ ग्रासलैंड गवर्नमेंट ने लिखा है कि ये ग्रासलैंड एरियाज है, तो वो अलग अलग ग्रासलैंड एरिया पे वो लोग शिफ्ट होंगे, कितना बारिश हुआ है कौन सी जगह पे उसके ऊपर डिपेंड होगा। पर उनके एक स्टेशनरी घर भी है जो सालों पहले जैसे एकदम कच्चे घर रख के वो लोग घूमते थे, और सालों मतलब हम लोग 80-100 साल के पहले की बात कर रहे हैं, तब से वो लोग के पास फिक्स जगह है कच्छ के अंदर जहाँ वो लोग रहते हैं। तो हर एक एम्ब्रॉयडरी हम लोग देखेंगे तो 12 कम्युनिटी है, आही है, गुर्जर है, रबारीज है, उसके अंदर 4 सब ग्रुप्स है, आहिर में भी 4 सब ग्रुप है, फिर है सोडा और जाडेजा, उनका भी शेयर्ड कल्चर है, फिर मारू जो 1971 वॉर में से रेफ्यूजी की तरह आए थे, फिर जत है, जत के अंदर भी 3-4 डिफरेंट सबसेक्ट्स है, 3 सबसेक्ट्स बहुत एक्सटेंसिव वेरी डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज करते हैं, फिर नोडे है, नोडे में 13 कम्युनिटी है, पर हम लोग को लास्ट 50 ईयर से सिर्फ 1 कम्युनिटी एम्ब्रॉयडरी प्रैक्टिस करते हुए दिखी है, दूसरे सब ने बहुत सालों से छोड़ दिया है। 1969 में जब ये सृजन शुरू हुआ तब तक वो लोग कभी भी वो एम्ब्रॉयडरी कोई दूसरे के लिए नहीं करते थे। हाँ, एम्ब्रॉयडरी बेचते थे कि कोई टूरिस्ट आ गया और उनको पैसे की जरूरत है तो घर के अंदर कुछ रहेगा वो लोग बेच देते थे, पर कोई कस्टमर के लिए बनाया नहीं था, उसकी कोई अर्बन मार्केट सोच के उसको नहीं किया था। 69 में जब ही मेरे पेरेंट्स कच्छ आए थे
बहुत बड़ा ड्राउट हुआ था और वो ड्राउट के साथ ही किचन के अंदर काम करने के लिए, तभी देखा कि जो विमेन है उनके बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर गार्मेंट्स थी और वो लोग वो स्किल यूज करके कमा नहीं रहते, जाके रोड बिल्डिंग कर रहे थे। तो तभी लगा कि इतना ब्यूटीफुल जो स्किल है इतना डेवलप ऐसे ही हुआ रहेगा क्योंकि उनको उसके प्रति बहुत लगाव है, तो ही आप इतना अच्छा कर सकते हो। तो क्यों नहीं ये स्किल यूज करके उन लोग को एक कमाई का एक माध्यम दें। हाथ की कढ़ाई या एम्ब्रॉयडरी कच्छ के शिल्प की खासियत है। इसमें अहीर, रबारी, सोधा राजपूत, मेघवाल जैसे अन्य समुदायों की महिलाओं को महारत हासिल है। कच्छ की कढ़ाई दुनिया भर में मशहूर है। ज्यामितीय पैटर्न, फूल पत्तियों वाले रूपांकनों और शोख रंगों वाली हर एक कढ़ाई की अपनी एक खास डिजाइन और पहचान होती है। परंपरागत रूप से महिलाएं रोजमर्रा या फिर तीज त्योहारों के मौके पर पहने जाने वाले कपड़ों पर सजावट के लिए कढ़ाई करती थी। ये हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। कढ़ाई वाले वस्त्र भी दुल्हन की पोशाक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। सुंदर कढ़ाई वाले लिबास दहेज, संस्कार, समूह की पहचान, वैवाहिक स्थिति, अनुष्ठान आदि की पहचान बन गए। आमी ने हमें कढ़ाई की कुछ विशिष्ट शैलियों के बारे में भी जानकारी दी। हम लोग देखे तो सबसे पॉपुलरली नोन 16 स्टाइल्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, पर सृजन का जो रिसर्च विंग है हम लोग को कंफर्म्ड 72 स्टाइल्स मिली है इतने सालों में। ये मेवाड़ मारवाड़ा कम्युनिटी है उसके अंदर वो सब जगह पे है, कच्छ में सब कम्युनिटीज के साथ एक क्राफ्ट सर्विस प्रोवाइडर या एक इंडस्ट्री प्रोवाइडर के जैसे रही हुई है और इतने सारे क्राफ्ट्स ये कम्युनिटी के अंदर है। आप लोग लेदर का देखेंगे तो है, आप लोग वीविंग का देखेंगे तो है, एम्ब्रॉयडरी का है, खरल का है, वुड कार्विंग का है, मेटल वर्क का है, जो भी देखो वो सब सब बना सकते हैं। तो जो आहिर और गुर्जर जो एम्ब्रॉयडरी स्टाइल प्रैक्टिस करते हैं उसका नाम आहिर एम्ब्रॉयडरी हो गया क्योंकि उसका कोई नाम मिला नहीं था, पर ये दोनों की एम्ब्रॉयडरी है, आहिर की है और गुर्जर की। उसके अंदर आपको बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल मोटिव्स मिलते हैं, उनके जो सर्कल जो एम्ब्रॉयडरी सर्कल्स जो रहते हैं वो सर्कुलर शेप में रहते हैं और अराउंड जो पुराने जमाने का चाराना का कॉइन था वो साइज के मिरर्स आपको मिलेंगे और उससे थोड़े छोटे। कच्छ में आपको बहुत बड़े मिरर्स नहीं देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग जो देखेंगे तो आहिर के साथ रबारी भी रहते हैं, उनकी एम्ब्रॉयडरी में भी मिरर्स है, बहुत सारे मिरर्स है, उनके जो एनिमल बर्ड मोटिव्स है ना आपको 5-6 मिनट लगेगी समझने में कि ये एनिमल का ड्राइंग किया, बहुत ही स्टाइलाइज्ड रहता है उन। और दूसरा रबारी का खासियत है कि उनके जो मिरर्स है वो अलग अलग शेप के रहेंगे, ट्राइंगल्स मिलेंगे, स्क्वायर्स मिलेंगे, रेक्टेंगल्स मिलेंगे। वो कच्छ में सिर्फ एक ही कम्युनिटी है जिसके अंदर डिफरेंट शेप मिरर्स मिलेंगे। ये दोनों से एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कम्युनिटी की जो एम्ब्रॉयडरी है वो मुथवा कम्युनिटी के है, उन लोग के पास 19 स्टाइल्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी और हर एक स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। जैसे हम लोग मुख को देखेंगे काउचिंग स्टिच है, उसके अंदर धागा नीचे नहीं जाएगा। गोताव देखेंगे विच इज कॉल्ड एन इंटरलेस स्टिच, आप जो ट्रेडिशनल चेन स्टिच बेस्ड एम्ब्रॉयडरी पर इतनी फाइन चेन स्टिच और उनके मिरर जो है वो मूंग के साइज के रहते हैं, चना दाल से भी छोटे रहते हैं, उतने छोटे उनके मिरर्स रहते हैं। इससे ऑपोजिट है सूफ एम्ब्रॉयडरी और जो जदगरा से एम्ब्रॉयडरी, ये दोनों एम्ब्रॉयडरी काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी मतलब फैब्रिक का वार्प और वेफ्ट वो लोग गिनते हैं, वो जो ग्रिड फॉर्म होती है वार्प और वेफ्ट के अंदर हर एक वो ग्रिड काउंट करके वो लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला ही बोल सकते हैं पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पूरी डिजाइन क्रिएट करते हैं। चटक रंगों और जीवंत डिजाइनों वाली ये कढ़ाई न केवल आपको इन महिलाओं के पहनावे पर बल्कि उनके मवेशियों पर, उनकी काठी पर और यहाँ तक कि उनके घरों में लगे तोरणों पर भी दिखाई देगी। इस रंगीन दुनिया में रबारी महिलाएं और उनके सादे काले लिबास अपने आप में अनोखे होते हैं। एक तरफ जहाँ दूसरे समुदाय लंबी यात्रा करके यहाँ तक आए थे, रबारी एक खानाबदोश गडरिया समुदाय है जो उत्तर पश्चिम भारत के बाशिंदे हैं। वे हिमालय से पंजाब, हरियाणा, मथुरा और राजस्थान पहुंचे थे। अंत में वो पाकिस्तान के रास्ते कच्छ पहुंचे थे। रबारी अपने विस्तृत और पेचीदा एम्ब्रॉयडरी के लिए जाने जाते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी में
अलग अलग रूपों और आकारों के कांच का भी इस्तेमाल किया जाता है। रबारी महिला पावी बेन की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। अपने समुदाय की अग्रणी पावी बेन लगभग 300 महिलाओं के साथ काम कर रही है। हरी जरी या पावी जरी कढ़ाई उनकी पहचान बन चुकी है। वह अपने पावी बैग्स के लिए मशहूर है जिन्हें वह खूबसूरती से बनाती हैं। उनके ब्रांड की शोहरत आज दूर दूर तक पहुंच चुकी है। 37 वर्षीय पावी बेन कच्छ के एक छोटे से शहर कुकड़सर की रहने वाली है। वह बताती है कि कैसे ये कढ़ाई इन महिलाओं के दिल के करीब है। 5 साल की थी तब भी मेरा पापा एक्सपायर हो गए और हम घर में 3 बहनें थी, भाई नहीं था। जो हमारा पुराना जो व्यवसाय है भेड़ बकरियाँ चराना, तो तब से मैंने मेरी माँ के सारी चीज़ें देखी, कैसे मेरी माँ काम करती थी, मजूरी करती थी। 3 बहनें मेरी माँ के पास बड़ी हुई और एम्ब्रॉयडरी का काम मैंने अपने आप देखा। मेरी माँ करती थी, दादी करती थी, फूई करती थी, सीख लिया और करने लगी। पहले खुद हम पहनने के लिए बनाते थे, जो लेडी है अपने दहेज के लिए बनाती थी, घर का श्रृंगार, वो बच्चे का श्रृंगार, वो सारी चीज़ें हमारे पहले घर में, घर से ज़्यादा ऊँट पे फरते हैं जंगल में, तो ऊँट पे श्रृंगार होता है। जब सामान लेके ये गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो ऊँट का पूरा श्रृंगार, वो सारी चीज़ें महिलाएँ बनाती थी। वो बनाना हर महिला का एक शौक था, लेकिन और किसी के मन में सोच नहीं थी कि हम जो चीज़ें बनाते हैं एक बार इसकी तरह हम मार्केटिंग में तो करें कि मार्केट इसको मार्केट में कितना अच्छा लगता है मार्केट को या बुरा लगता है, किसी ने ट्राई नहीं किया था। और हमारी पूरी समाज में मैंने पहले ही ट्राई किया कि एक चीज़ में मार्केट में तो ये लेके जाओ, मार्केट को क्या लगता है। हमारे कच्छ में 3 प्रकार का रबारी कम्युनिटी है। इसमें से एक वागड़िया कम्युनिटी है, हम डेबरिया कम्युनिटी है और एक काची रबारी है। तो हमारे तीनों में जो ये एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी में फ़र्क है और उसमें जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में भी फ़र्क है और थोड़ा थोड़ा कलर में भी फ़र्क है। जो डेबरिया लोग है उसके जो काम होते उसमें सबसे पहले तो ये मोर होगा, ये कावड़िया भी होगा। वो ढेबरिया समाज का जो महिला का बनाए हुए जो चीज़ सबसे पहले उसमें यही चीज़ ज़रूर होगा। ओरिजिनल काच यूज़ करते और ये मच्छी कांटा है, मकुड़िया है, थोड़ा थोड़ा सब में फर्क है। यायावर की जिंदगी जीने वाले इन लोगों का मानना है कि उनके हुनर और परंपराएं ही उनकी सच्ची दौलत है और वाकई उनका ये विश्वास इस क्षेत्र के शिल्प की विविधता में देखा जा सकता है। कच्छ के अंदर या मुझे लगता है किधर भी जब भी एम्ब्रॉयडरी एक पर्सनल यूज की स्किल थी और कमर्शियल स्किल नहीं थी, तो उसके कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं, कोई पुराने पीसेस नहीं रखे, क्योंकि उसके अंदर स्किल ऑफ एम्ब्रॉयडरी पे ज्यादा फोकस था रादर देन एक पुराना पीस संभाल के रखना। क्योंकि पुराने पीस संभाल के कहाँ रखेंगे, आधे लोग मालदारी है, उठा उठा के कहाँ जाएंगे, और जो किसान है तो उनका फोकस पूरा डिफरेंट है, इस पर नहीं है। और मटेरियल दूसरा है, कच्छ के अंदर बहुत सारा मटेरियल चीज पे वैल्यू नहीं रखते, स्किल्स पे रखते हैं, क्योंकि साइक्लोन आया या धरतीकंप आ गया तो खत्म हो गया, तो उसके साथ लगाव नहीं रखना है। लगाव किससे रखना है, हमारी हुनर से रखना है, हमारी काबिलियत से रखना है। शिल्प का एक दिलचस्प रूप इन समुदायों के जिंदगी जीने के तरीके से पैदा हुआ है जिसे एप्लिक या अधिरोपण कहते हैं। इसकी शुरुआत पुराने और खराब हो चुके कपड़ों के टुकड़ों से कुछ नया बनाने की कोशिश से हुई थी। और एक विमेन क्राफ्ट है जो आई थिंक नियरली एवरी कम्युनिटी के अंदर उसका फॉर्म मिलेगा, और उसके दो पार्ट्स हैं, एक है पैचवर्क और दूसरा है एप्लिक। पैच दोनों जो है उसके ओरिजिन्स आते हैं कि इधर लेफ्ट ओवर फैब्रिक या वेस्ट फैब्रिक दोनों मिला के ब्लैंकेट्स बनाने में या फिर बेड कवर्स बनाने में यूज होता था, या फिर वो कैमल का सैडल कवर बनाने में यूज होता था। पैचवर्क जो है वो छोटे छोटे पीसेस जॉइन करके स्क्वायर ग्रेड के अंदर पूरा चादर बना सकते हैं। और जो एप्लिक है वो आपको सबसे ज्यादा जो फाइनेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल एप्लिक देखना है तो वो रबारी में मिलता है, और दूसरे सब कम्युनिटीज में बड़ा और बोल्ड है, फिगरेटिव स्टोरी टेलिंग फॉर्म में बहुत सारा भी दिखता है,
पर ओरिजिनली उनके स्टोरी टेलिंग मोड में थी वो चादर का ही पार्ट था, और जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स रहेंगे, आप लोगों ने घाघरा बनाया या फिर ब्लाउज बनाया, थोड़े थोड़े अलग अलग स्ट्रिप्स बचे हुए रहेंगे, वो फैब्रिक को लेके उसके अलग अलग शेप्स काटते हैं और चादर के ऊपर लगा के उसको स्टिच हेमिंग स्टिच करके लगा देंगे। तो आपको बेस फैब्रिक एक दिखता है और उसके ऊपर एक दूसरा एप्लीक, वो एप्लीक पीस है, उसके लिए एप्लीक क्राफ्ट बोलते हैं। दिलचस्प बात ये है कि एप्लीक का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से शाही परिवार के टेंट बनाने के लिए किया जाता था। अहमदाबाद के कारीगर कार्तिक चौहान का परिवार पीढ़ियों से एप्लीक का काम करता आ रहा है। उन्होंने अपने समुदाय और एप्लीक की खासियत के बारे में बताया। हमारी ये कला जो हमारा काठियावाड़ है, जिसको राजकोट है, जामनगर है, भिमरीज है, इसको हम काठियावाड़ बोलते हैं। तो काठियावाड़ के जो राजा से, किंग्स से, सो जब वो शिकार में जाते थे तो इसके टेंट्स बनते थे और उन टेंट को हम अप्लीक करते थे अंदर और बाहर की साइड से, और उन टेंट में से जो कपड़ा बचता था उस कपड़े की हम बेटियों के लिए क्विल्ट्स बनाते थे, और वो क्विल्ट्स हम बेटियों को शादी में एज अ करियावर, एज अ दहेज देते थे। हम 500 साल पहले जब रामदेव पी जी हो गए, जो पोखरण राजस्थान में हैं, अजमल जी के राजा के घर पे जब रामदेव जी हुए, तो उस पन से हम बिलोंग करते थे। हमारी कम्युनिटी वैसे राजपूत थी, वहाँ राजस्थान में हम रहते थे। उस राजपूत से हमने सेवाभावी के काम से हम जामनगर जो हमारा मेकपर है वहाँ माइग्रेट हुए, और वो माइग्रेशन के टाइम पे हम बुनाई करते थे। मतलब किसी को सेवा से हम किसी की चादरें बनाते थे, किसी की शॉल, गुदड़ी वगैरह ऐसा काम करते थे। तो हमारी जो कास्ट है, वो हमारी जो कास्ट है उसको बुनकर कम्युनिटी में किया गया, तो आज भी हम बुनकर कम्युनिटी के नाम से ही जाने जाते हैं। कपड़े के मामले में कच्छ में बुनाई की आकर्षक परंपराएं भी हैं। जो लोग ये काम करते हैं, ये उनके जीवन का अभिन्न अंग है। तांगलिया शिल्प में सूती धागे के टुकड़ों के उपयोग से ताने पर दाने पिरोए जाते हैं। स्थानीय कथा के अनुसार इस कला की शुरुआत लगभग 700 साल पहले हुई थी। एक यात्री को एक स्थानीय लड़की से प्यार हो गया था। वो एक कुशल शिल्पकार था और उसने अपने पत्नी के समुदाय को सिखाया कि कैसे उनकी बुनाई को और निखारा जा सकता है। इसी तरह भुजोड़ी बुनाई भी है, जिसकी शुरुआत भुजोड़ी गांव से हुई थी, जो कच्छ में भुज से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। भुजोड़ी के बुनकारों को वंकार कहा जाता है। माना जाता है कि भुजोड़ी के वनकार मूल रूप से राजस्थान के मेघवाल समुदाय के मारवाड़ा बुनकर थे, जो 500 साल पहले कच्छ चले गए थे। भुजोड़ी के बुनकर रबारी समुदाय के लिए कंबल और पारंपरिक परिधान जैसे घाघरा और शादी के कपड़े बुनते थे, और बदले में उनसे भेड़ या ऊंट का हाथ से कटा हुआ ऊन ले लेते थे। इसके अलावा कच्छ में कई अन्य शिल्प कलाएं हैं जो परंपरागत रूप से पुरुषों के हाथों में रही है। तो विमेन जो है वो अपनी पर्सनल शौक के लिए एम्ब्रॉयडरी करते थे अपने कपड़े के लिए, और 1969 से जब से शुजुन आया, वो उन्होंने ये जो अपनी स्किल थी, अपनी हॉबी थी, उसको एक मींस ऑफ इनकम भी बना दिया। दूसरा जो क्राफ्ट जो विमेन सोली प्रैक्टिस कर रही थी वो है बांधनी का, जो बांधने का पार्ट, उसका प्री डिजाइनिंग और डाइंग नहीं। जितने भी मेल क्राफ्ट्स हैं वो फैमिली क्राफ्ट्स हैं, वो सिंगुलर मेल क्राफ्ट नहीं है। अगर आप लेदर वर्कर भी देखेंगे तो उसके अंदर फैमिली घर पे करते हैं, वो घर ही उसकी इंडस्ट्री और स्टूडियो बन गया है। तो हम लोग ऐसा जो भी मेल क्राफ्ट है ऐसा नहीं बोल सकते, ये इसके अंदर कोई दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं। अभी यस, क्योंकि अभी एकदम कमर्शियल फॉर्मल हो गया है, उन लोगों की वर्किंग स्पेसेस डिफरेंट हो गई है, तो उसका रोल चेंज हो गया है। पर जो ओरिजिनल टाइम्स थे वो प्रैक्टिस ऐसे होता था। विमेन क्राफ्ट के अंदर जो मेल का रोल रहता था वो रॉ मटेरियल सप्लायर का था। मेल क्राफ्ट के अंदर बहुत सारे अलग रोल्स विमेन ने प्ले किए।
अभी जो मेल क्राफ्ट्स कच्छ में है थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं, एक है टेक्सटाइल क्राफ्ट्स और एक है हार्ड मटेरियल क्राफ्ट्स। हार्ड मटेरियल क्राफ्ट्स के अंदर हमें बेल मेकिंग जो है वो दिखता है, वेस्ट मेटल लेके कॉपर कोटिंग करके बेल्स है। ये बेल क्राफ्ट जो था वो उनकी ट्रेडिशनल मार्केट जो थे वो मालदारी से। पॉटरी क्राफ्ट है वो भी अभी तक सब लोग बनाते हैं। तो पॉटरी क्राफ्ट के अंदर ऐसा था कि मेन मिट्टी से पॉट बनाते थे, पर मिट्टी को कूटना उसको चाड़ना वो काम लेडीज का था, और उसके बाद पॉट बन गया, उसके बाद ड्रॉइंग करने का काम भी लेडीज का था उसके ऊपर। दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं होता था ये वाला। दूसरे काम है मंड वर्क, वो वॉल डेकोरेशन और होम डेकोरेशन का था। वो मेन भी प्रैक्टिस करते हैं, विमेन भी प्रैक्टिस करते हैं, पहले से वैसा है किसको किसके अंदर ज्यादा लगाव है। वीविंग है, तो वीविंग कच्छ में दो तीन टाइप के वीविंग है। एक जो कच्ची वीविंग या भुजोड़ी वीविंग के तरह पॉपुलर हो गया है, क्योंकि भुजोड़ी गांव वाले बाहर मार्केट में गए थे। वीविंग का ऐसे नाम कुछ नहीं है एक्सेप्ट बनाट का, किसका, ऊन का या कॉटन का। फिर तांगलिया क्राफ्ट है, वो भी वीविंग क्राफ्ट है। मशरू है, मशरू जो था वो ज्यादा रॉयल्टी को सप्लाई के लिए था, क्योंकि उसके अंदर सिल्क यूज था, और सिल्क आई थिंक रेगुलर मालदारी या किसान मार्केट नहीं लेती थी, रॉयल्टी और ट्रेडिंग मार्केट भी खरीदते थे। तो ब्लॉक प्रिंटिंग भी, अलग अलग टाइप के ब्लॉक प्रिंटिंग कच्छ में थे, पर सबसे फेमस जो हुआ है वो है अजरक, जो वेजिटेबल प्रिंटिंग है। आपको अजरक केमिकल प्रिंटिंग में भी मिलता है, वेजिटेबल में भी मिलता है, वो वेजिटेबल में भी प्योर वेजिटेबल, सेमी वेजिटेबल सब मिलता है। फिर दूसरा जो टेक्सटाइल का देखे तो रोगान क्राफ्ट है। रोगान भी जो था वो आई थिंक ओरिजिनली घाघरे के ऊपर ड्रॉइंग के लिए था, अभी रोगान जो है पूरा वॉल आर्ट के तरफ शिफ्ट हो गया है कंटेम्प्रेरी। वापस मुझे लगता है दो तीन यंग जो लोग हैं टी शर्ट्स और कुर्ते के पीसेस और दुपट्टे भी रोगान करने का शुरू कर दिए। खरल के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन अभी हो गए। खरल में आपको दरी तक और कारपेट्स भी मिलते हैं, पर ओरिजिनल जो खरल था वो एक्चुअली तंग था। तंग मतलब जो सैडल बेल्ट रहता है कैमल्स के लिए, और वो कैमल वूल से बनता था, जिसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिगर्स बनते थे, और उसकी प्रोसेस हैंड वीविंग की हुई है, वो लूम पे नहीं बनता है। एक साइड पे आपको एक कलर दिखेगा तो दूसरे साइड पे दूसरा कलर, और जो मोटिव्स है रियल तंग के अंदर, जो यहाँ कैमल रहेगा वाइट या फिर जो लाइट ट्रेडिशनल कैमल हेयर का जो कलर है उसके अंदर डार्क कैमल हेयर का मोटिव रहेगा, तो यहाँ डार्क कैमल है और वो लाइट कैमल हेयर का एग्जैक्ट सेम मोटिव रहेगा, उसकी एक टेक्निक है। भुज में आपको एक ऐसी बुनाई परंपरा देखने को मिलेगी जो 800 साल पुरानी है। इसका इस क्षेत्र में समुदायों के जीवन और पशुपालन की परंपरा से गहरा संबंध है। खरड़, जिसका अर्थ सिंधी में कालीन है, पारंपरिक रूप से बकरी और ऊंट के ऊन से बनाया जाता है। गडरिया समुदाय ऊंटों, बकरियों और भेड़ आदि जैसे पशु पालते थे। मालधारी और रबारी ऊंट और बकरियों के बाल काटते थे, इसके बाद वो इसे हाथ से कटाई करने वालों को दे देते थे, जो ऊन बनाने में माहिर होते थे। इस ऊन का उपयोग फिर खरड़ कारीगर करते थे। पहले खरड़ कारीगर सिर्फ ऊंटों के जाल आदि बनाते थे, लेकिन आज वे सुंदर बुनाई करते हैं और तरह तरह के सुंदर रूपांकन बनाते हैं जो उनके कामों में देखे जा सकते हैं। रोगन एक और दुर्लभ कला रूप है जो हमें बताता है कि कैसे भौगोलिक सीमाओं को पार करके संस्कृतियां और शिल्प यहाँ तक पहुंचा। रोगन कपड़े पर पेंटिंग की तकनीक है, जो एरंडी के तेल से बने मोटे चमकीले रंग के पेंट से तैयार की जाती है। कहा जाता है कि इस कला की उत्पत्ति लगभग 300 साल पहले ईरान में हुई थी। ये कला सीरिया के अफरीदी जनजाति के साथ आई थी, जो ईरान और अफगानिस्तान से होते हुए अंत में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक पहुंच गई थी। आज गुजरात में निरोना के खत्री समुदाय का गफूर परिवार इस खूबसूरत कला का एकमात्र संरक्षक है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अब्दुल गफूर ने हमें रोगन के बारे में कुछ इस तरह बताया। हमारा कास्ट खत्री है और हमारा व्यवसाय है वो पारंपरिक रूप से एक रोगन आर्ट के नाम से जाना जाता है। और रोगन आर्ट करने वाले शायद अभी हमारा एक ही परिवार बचा है, और रोगन एक पर्शियन वर्ड है।
पर्शियन शब्द है। हो सकता है किसी जमाने में पर्शिया से शुरुआत हुई है। ये कला हमारी परिवार में पारंपरिक रूप से 300 साल से चल रही है और अभी हमारा जो लड़का है वो 8वां पीढ़ी है, 8वीं पीढ़ी तक हमने इसको मतलब परंपरा चल रही है और इसको हमने इम्प्रूव करने की पूरी पूरी कोशिश की है और अभी भी हमारा प्रयास चालू है। आज कच्छ के शिल्प ने अपनी पुख्ता जगह बना ली है और इसका श्रेय श्रूजन, खमीर, कला रक्षा जैसे अन्य कई संस्थाओं को जाता है जो इन समुदायों के साथ अथक रूप से काम कर रहे हैं और उन्हें मजबूत बना रहे हैं। ऐसा समय भी आया था जब जागरूकता, संसाधनों की कमी और गुजरात में सन 1969 के सूखे या फिर सन 2001 के भुज भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण शिल्प परंपराएं खत्म हो रही थी, लेकिन आज इनमें से कई शिल्प रूपों का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। कच्छ की समृद्ध शिल्प परंपराएं संस्कृतियों और समुदायों का मिलन है। एक तरफ जहां कढ़ाई कच्छ का पर्याय बन गई है, वही शिल्प की विस्तृत श्रृंखला इस सरजमी को उसका रंग, संस्कृति और पहचान दे रही है।